नमस्ते सभी स्टूडेंट्स जो आईटी का कोर्स कर रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और जो सेकंड ईयर में हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ लेआउट डायग्राम हम फिर देखेंगे। इसमें जो लेआउट डायग्राम है सब स्टेशन का है। सब स्टेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन के द्वारा उच्च वोल्टेज सब स्टेशन पर आती है, जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। सब स्टेशन से उपभोक्ता को विद्युत ओवरहेड लाइन या अंडरग्राउंड लाइन से दी जाती है। सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त आने वाली सप्लाई और बाहर जाने वाली सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्विच और सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। इसके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के मीटर, जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर, एनर्जी मीटर और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी लगे होते हैं। सब स्टेशन निम्न प्रकार के होते हैं: इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन और पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो सबसे पहले इंडोर सब स्टेशन, ऐसे सब स्टेशन जिसके समस्त उपकरण व ट्रांसफार्मर एक कमरे में लगाए जाते हैं, इंडोर सब स्टेशन कहलाता है। यह सब स्टेशन 11 किलो वोल्ट तक के छोटे ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त होते हैं। इसमें तीन कमरे प्रयोग किए जाते हैं: एक कमरे में जनरेटिंग स्टेशन अथवा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कहलाते हैं, से आने वाली सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उचित कैपेसिटी के आवश्यक उपकरण और सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। दूसरे कमरे में ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसकी प्राइमरी पहले कमरे से स्विच के द्वारा हाई वोल्टेज से कनेक्ट होती है। तीसरे कमरे में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से हाई लो वोल्टेज की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्विच और मीटर आदि लगे होते हैं। यहाँ से सप्लाई उपभोक्ता के लिए भिन्न भिन्न सर्किट बनाए जाते हैं और प्रत्येक के स्विच पृथक पृथक लगाए जाते हैं। तो इंडोर सब स्टेशन का ये सर्किट डायग्राम जो है, लेआउट, आप इसको अच्छे से देख लिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपको लेआउट ही बनाना है। इसमें आपको कोई भी विवरण कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल लेआउट बनाना है। अगर थ्योरी में आ जाए तो आप इसको याद कर सकते हैं, कार्य प्रणाली को किस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं। तो इसमें मीटर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, हाई टेंशन स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर हैं यहाँ पे। फिर ट्रांसफार्मर आते हैं, फिर मीटर, एलटी सर्किट ब्रेकर अर्थ किया जाता है, एलटी सर्किट ब्रेकर लोड, और एक इधर एलटी सर्किट ब्रेकर, एलटी सर्किट ब्रेकर लगा होता है। आउटडोर सब स्टेशन, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता 11 किलो वोल्ट से अधिक होती है, जैसे 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट को बाहर खुले हुए स्थान पर लगाया जाता है। ये विशेष प्रकार से निर्मित होते हैं, जिससे इन पर मौसम और वर्षा आदि का प्रभाव न पड़े। ऐसे स्टेशन को आउटडोर सब स्टेशन कहा जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए TPSO, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच प्रयोग किए जाते हैं। इससे संबंधित अन्य मीटर और स्विच कमरे में लगे होते हैं। ये आपके देखिए, ये आउटडोर सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम आपके सामने है, आप इसको अच्छे तरह से देखें और इसको हम स्केच बुक के अंदर ड्रा करके भी देखें और एक दो बार रिहन प्रैक्टिस करें बनाने की। तो सबसे ऊपर ये 33 किलो वोल्ट से हायर वोल्टेज आ रहा है।
इसमें सर्किट ब्रेकर लगाए हैं, TPMO लगाए हैं, बस बार, TPMO वापस लगाया, सर्किट ब्रेकर और लाइटिंग अरेस्टर भी लगाए हैं और आरसीबी किया हुआ है। अब पोल माउंटेड सब स्टेशन। इस प्रकार के सब स्टेशन एच प्रकार के पोल या वर्गाकार पोल पर ही बनाए जाते हैं। ये गांवों में सप्लाई देने, ट्यूबवेल कारखानों में अधिक पावर देने और कम आबादी वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। इनके बनाने में कम खर्चा होता है और अधिक देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती। पोल के बनाए स्ट्रक्चर पर ही ट्रांसफार्मर, HRC फ्यूज आदि लगाए जाते हैं। विद्युत को कंट्रोल करने के लिए TPMO स्विच लगाया जाता है। तो ये नीचे चित्र में दिखाया गया है। इसे दो भागों पर अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। पोलों की फाउंडेशन कंक्रीट सीमेंट से काफ़ी मजबूती से तैयार की जाती है। तो ये पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन, इसको फाउंडेशन अर्थ के अंदर कंक्रीट सीमेंट से पहले कर दिया जाता है पोल को, उसके बाद इसके ऊपर ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण लगाए जाते हैं। तो ये देखिए फाउंडेशन का नीचे का पोर्शन हो गया, अब ऊपर का पोर्शन आ गया। ये MS एंगल आयरन एस टाइप पोल है, नेल्स वायर है, फिर डेंजर बोर्ड है, मेन स्विच विद फ्यूज 11 किलोवोल्ट 400 वोल्ट, ट्रांसफार्मर 25 KVA, हाई टेंशन टर्मिनल, TPMO कनेक्टेड लिंक है यहाँ पे, और इंसुलेटर भी हैं और URB लाइन और इंसुलेटर, ये आपको शो करना है। अब सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम बिल्कुल सिंपल पूछें तो ये सिंपल डायग्राम, लाइन डायग्राम जो है इसका लेआउट बना करके आ सकते हैं परीक्षा में, अगर आपसे पूछें सब स्टेशन लेआउट डायग्राम बनाइए तो ये सिंपल सा स्केच आप बना लीजिए, इसकी भी प्रैक्टिस करें। सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम एक और दे रखा है यहाँ पे लाइन वर्क में, तो देखिए लो वोल्टेज सर्विस मेन लाइन मेंस नीचे L1 L2 L3 RV, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पर है, इसके ऊपर 11 KV 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ जाएगी फिर, सब स्टेशन आ गया 33/11 KVA ट्रांसफार्मर आ गया, फिर हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन आ गई, फिर ये ग्रिड आ गया स्टेशन 220/33 KVA, उसके बाद सबसे ऊपर 11/220 KVA स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये फीडर लगा हुआ है 3-phase 1 KVA अल्टरनेटर लगा हुआ है, उसके बाद ये 3-phase डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मैन। तो ये सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम आप लाइन वर्क में ये पॉइंट याद रखें, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है और सबसे एंड में क्या लिखना है, कहाँ कहाँ पे KVA लिखा हुआ है ध्यान रखें। थैंक यू।